आप देख लें कि हमने आवेदन किया था 16 तारीख को और एक्सेप्ट होने के बाद ईपिक नंबर भी जनरेट हो गया मेरा 25 को, मतलब 10 दिन में मेरा ईपिक नंबर जनरेट हो चुका है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे कि आपका 10 दिन में वोटर आईडी कार्ड बनकर तैयार हो जाए, आप वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ग्रोड ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे क्लिक करके ओपन करेंगे इस तरह की इंटरफेस आएगी आपकी। हो सकता है कि आपका अपडेट मांगे तो आप अपडेट कर लेंगे, क्योंकि अपडेट आपने बहुत दिन से नहीं किए होंगे तो अपडेट मांगेगा। अब 3 आइकन पर क्लिक करके हम आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्म्स में। फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 भी भरेंगे नया नाम जोड़ने के लिए। तो किस तरह से आप भरेंगे ताकि आपका रिजेक्ट ना हो, आपका जो है मिनिमम कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक जो है 15 दिन 20 दिन भी लग सकता है, ये मतलब वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो हमें प्रूफ दिखाएंगे आपको कि 10 दिन में हमने किया है इसी प्रोसेस से। तो किस तरह करना है पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं स्किप नहीं करना है। स्किप करने से हो सकता है कि कुछ जानकारी आपसे छूट जाए तो आपका फिर एक्सेप्ट नहीं हो पाए। तो हमें क्या करना है, फॉर्म 6 में इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद सिंपली नीचे में लेट स्टार्ट पर का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके यस पर क्लिक किया रहेगा, इसलिए कि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इनके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। अब नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर उनका आधार नंबर फिल कर लेना। अगर आधार नहीं बना है इन केस तो इस पर टिक लगा करके हम बाकी डिटेल्स फिल करेंगे। तो इनका तो आधार नंबर बना है, इसलिए आधार बना है इनका, तो आधार नंबर फिल कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट किया था ये भी देख लें, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। अब जो भी ईयर है इस पर क्लिक करके ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मान के चलिए 1999 है इसका। अब यहाँ पर मंथ की संख्या होता है, तो मंथ जो भी होगा 2, 3, 4 जो भी है इसका के 2 मंथ है, तो इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं दूसरा मंथ ले लेते हैं। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 02 दिख रहा है, मतलब दूसरा मंथ मतलब फरवरी। अब तारीख, तो जितनी भी तारीख है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि 27 पर क्लिक कर लिए, अब यहाँ पर सेट हो गया, फिर ओके पर क्लिक कर लेते हैं। अब एक बार फिर मिला लेंगे कि 27/2/1999, मतलब इसका आधार कार्ड में भी वही है सेम डेट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब जो है उम्र का प्रूफ के लिए कौन से कागजात लेंगे, तो इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कागजात की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस या 10-12 का सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट या अदर कोई सर्टिफिकेट। तो हम क्या करेंगे, अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो इस पर क्लिक कर लेना है। इनका आधार है, इसे आधार पर क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे देख रहे होंगे कि अप डाउन हो रहा है, यहाँ जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करना है, मतलब जो भी मतदाता है उनका साइन करवा लेंगे, उनके कागजात में लिख देंगे 100 भी प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड इंग्लिश में। अब यहाँ पर क्या करना है, अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके ध्यान रहे कि 2 MB से कम हो, मतलब लेस देन 2 MB, 2 MB से कम होना चाहिए। तो कैसे अपलोड करेंगे, अपलोड पर क्लिक करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी फोटो लिया हुआ है तो गैलरी में आ जाएंगे। हम लाइव लेने वाले हैं इसलिए कैमरा पर क्लिक करेंगे। सिंपली हम किसी और डॉक्यूमेंट्स का लेकर के आपको दिखा रहे हैं प्राइवेसी के लिए, तो ऐसे करके आपको बीच में क्लिक कर लेना है एक बार कैमरा का। तो इससे क्या होगा, राइट एंगल आएगा और साफ आएगा। साफ आने के बाद क्लिक कर लेंगे कैमरा, जैसे कि देख पा रहे हैं हम नीचे में क्या है, राइट चिन वाले बटन है, इस पर क्लिक करके हम अंदर ले लेंगे। साथ यहाँ पे क्रॉप करने की ऑप्शन आती है, क्योंकि हमें तो पूरा लेना ही नहीं है, अगर पूरा लेंगे तो 2 MB से अधिक हो सकता है ना। तो इस तरह करके आगे पीछे करके जितना डॉक्यूमेंट्स है उतना ही आपको ले लेना है। फिर ऊपर में राइट चिन की बटन है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट हो गया। इसे हम स्क्रॉल अप करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर दिखेगा और प्रीव्यू पर क्लिक करके आप करेंगे क्या, पूरा देख पाएंगे। तो इसका तो हम प्रैक्टिकल के लिए बताएं, अब जेन्युइन में जो इनका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नीचे जो देख रहे हैं आप रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि जो भी इस चैनल पर यूजफुल वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलेगी। आपके यूज का जो भी होगा आप देख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर अपलोड पिक्चर का ऑप्शन है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि साइज जो मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए। तो इस पर भी सिंपली अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके कैमरा में आ जाएंगे, तो डायरेक्ट खींचेंगे, शूट करेंगे आप गैलरी से ऑलरेडी जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। तो हम कैमरा से क्लिक करके यहाँ पर सिंपली कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, आप एग्जैक्ट उनका फोटो ही लेंगे। फिर राइट चिन्ह पर क्लिक करके उसी तरह सेम प्रोसेस से जिस तरह डॉक्यूमेंट्स का किए हैं क्रॉप करके आपको अपलोड कर लेना है। अगर बड़ा करेंगे तो फिर क्या होगा कि पासपोर्ट साइज का जो आइडेंटिटी कार्ड बनेगा उनका सही नहीं आएगा फोटो, और प्लस ज़्यादा साइज भी बन जाएगा, इसलिए राइट चिन्ह पर ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फिर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर मेल फीमेल, अगर बॉयज़ है मेल फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर लेंगे, ये मेल है इसलिए मेल पर रहने देते हैं। अब उसका जो आधार कार्ड में
या कोई डॉक्यूमेंट्स में जो इंग्लिश में नेम है, यहाँ पे फर्स्ट में इंग्लिश है, ओरिजिनल, ओरिजिनल आपका उर्दू हिंदी कुछ भी हो सकता है, आपका जो ओरिजिनल है इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बंगाली है, मान के चलिए हिंदी हो जा रहा है तो वो बंगला में टाइप कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इंग्लिश में यहाँ आपको टाइप कर लेना है, ये जहाँ भी स्टार है वो कंपलसरी आपको फिल करना है, इसका इसको बिना फिल किए आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो हम यहाँ पे नेम उनका फिल कर लेते हैं जो भी नेम है। अब सरनेम अगर है किसी का तो यह फिल करेंगे, जैसे मान के चलिए अगर मोहन कुमार है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, अब मोहन कुमार शर्मा है वो भी एक ही साथ लिखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सरनेम है आपको फिल करने की जरूरत है नहीं, कंपलसरी है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ नेम इनका फिल कर लेते हैं, उसके बाद कन्वर्ट पर क्लिक करके आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये करके दिखा देंगे आपको। मेरा टाइप हो गया है यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कन्वर्ट हो गया। तो अच्छी तरह से आप देख लेंगे, क्योंकि रीजनल में कन्वर्ट होने के बाद भी क्या होता है, कुछ जो एरर आ जाता है जैसे कि तालब सो या कुछ इसमें डिफरेंट हो जाता है, कोई भी अंक में हो सकता है, तो आप दोबारा देख मिला लेंगे। अब सही रहेगा तो अभी इसको अलग करके यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है अप्लीकेंट अगर आवेदक का है तो आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य का, मतलब मोबाइल नंबर फिल करना कंपलसरी है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, है तो आप फिल कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर कोई डिसेबिलिटी विकलांगता है इसमें, मतलब विकलांगता अगर इसमें है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं करना है आपको। मान के चलिए अगर है तो किसी में करेंगे, विजुअल अगर कुछ है तो उसका परसेंटेज मांगता है, फिर साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा, मतलब जो उसको प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो इसका कुछ नहीं है, इसलिए टिक, मतलब जिनका विकलांगता कोई नहीं है तो कुछ इसमें टिक लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि हम कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेल का था इसलिए, मतलब लड़का का था इसलिए फादर या मदर या वाइफ का ऑप्शन आता है नेम का, तो उनका फादर का ही हम रहने देंगे। अगर गर्ल्स का करेंगे तो उनके फादर मदर और हस्बैंड का भी ऑप्शन आएगा, हो सकता है कि उसके हस्बैंड का नाम फिल करना है तो फिल करेंगे। तो जनरली इसका क्या करेंगे, अभी फादर है तो फादर पर क्लिक किया रहेगा ही, यहाँ पर जो लिखा हुआ और एक ऑप्शन है जो फैमिली मेंबर का आईपिक नंबर यहाँ पर है तो फिल कर देंगे, अगर नहीं भी फिल करते हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पे रिलेटिव नेम, रिलेटिव नेम किनका, फादर का लगा है तो फादर का नाम यहाँ टाइप करना है, अगर मदर का करते हैं तो मदर का करना होता है। अब यहाँ पर दो केस आ रहा है, एक है कि रिलेटिव नेम, फिर यहाँ रीजनल पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, जान चुके हैं। फिर लास्ट रिलेटिव नेम क्या करेंगे, मान के चलिए मोहन शर्मा है तो यहाँ पर मोहन टाइप करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मोहन तो आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे शर्मा, फिर क्लिक करेंगे तो मोहन शर्मा आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे कि मोहन शर्मा एक ही जगह हम कर ले और कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, ये फिल करने की जरूरत फिर नहीं होगा, दोनों में से जो करना आप चाह रहे हैं। तो हम काहे लंबा फेरा में रहेंगे, एक ही जगह फिल कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंपलसरी है नहीं। अगर एक ही लाइन में हो जाता है मेरा तो कह नहीं चाहेंगे। अब उसके बाद हम कन्वर्ट करके ये भी दिखा देते हैं आपको, जैसे ही कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे फिर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज जो है थोड़ा मिस्टेक उनका नाम हो गया, तो हम एडिट करके इस पर क्लिक करके एडिट कर लेते हैं। आप उसी तरह क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे फिर दोबारा मिला लेंगे। अब क्या करना है, ऊपर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हाउस नंबर का ऑप्शन आता है, तो हाउस नंबर एक्चुअल में होता है क्या, जैसे हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, सिटी वाले को तो बिल्डिंग नंबर अपार्टमेंट नंबर रहता जो है वो फिल कर लेना है, लेकिन हाउस नंबर विलेज में नहीं होता है, विलेज में होता है कि वोटर लिस्ट में जो हाउस नंबर है वही फिल करना है आपको। इससे क्या होगा, आपके जो बूथ के आसपास ही नाम जुड़ेगा, अगर शहर में भी है वोटर लिस्ट में जो हाउस नंबर है वही फिल करें, ताकि आपके सभी परिवार का एक ही जगह रहेगा नाम, तो फिर किसी दूसरे वार्ड में चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हाउस नंबर फिल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको वोटर लिस्ट से आप तो देख करके कर ही लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में भी, तो गोड ऐप से कैसे वोटर आईडी कार्ड का हाउस नंबर पता करेंगे, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख करके समझ जाएंगे और यहाँ हाउस नंबर फिल कर लेंगे। तो हम इनका हाउस नंबर फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रेट एरिया लोकेलिटी मोहल्ला रोड, तो इनका जो भी गांव है वो गांव का नाम या सिटी है वो फिल कर लेंगे, या फिर जो जिससे परिचित है वो जगह वो फिल कर लेंगे। आप ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। हम करके दिखा लेते हैं, मान के चलिए ये कर लेते हैं इनका, उसके बाद ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विलेज या टाउन जो भी है फिल कर लेना है, फिर ओरिजिनल पर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पोस्ट ऑफिस जो भी है रीजनल पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद जो त्रुटि होगा उसे ही कर लेंगे। फिर पिन कोड क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे नया ऑप्शन आया हुआ है, तहसील तालुका मंडल, तो अनुमंडल आपका यहाँ मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी अनुमंडल है फिल करेंगे, फिर रीजनल पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेक्शन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पर क्लिक करने का मतलब ये है कि इतना सेक्शन आपके बूथ में है, तो जिस भी सेक्शन क्षेत्र जो भी क्षेत्र से आता है ये मतदाता, उस क्षेत्र पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है। जैसे हम कोई भी मान के चलिए इनका अंश है, ये वाला अंश है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना है
सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट्स करेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट हम देख लेते हैं। तो बहुत सारी है, बिजली बिल है, वाटर बिल है, गैस कनेक्शन का बिल है, आधार कार्ड, पासबुक, करेंट बैंक का हो या फिर पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू का रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड रेंट डीड नंबर, मतलब बहुत सारी है। आधार पर क्लिक करके आप आधार डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो जनरली आपके पास जो है पासबुक और आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड दोनों जगह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल ऐसा भी कर रहे थे कि सर जो है डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड दिए, इसमें भी आधार कार्ड देंगे तो हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लिस्ट में जो भी है उनमें क्लिक करके आप आ जाएंगे। तो हम इनका आधार कार्ड ही ले लेते हैं। अब उसके बाद साथ ही जो आपको साइन करने वाला ऑप्शन है ये सेल्फ अटेस्टेड, वो तो करना पड़ेगा ही। उसे क्या करना है, अपलोड पर क्लिक करके सिंपली वही प्रोसेस से आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, राइट चेन पर क्लिक करके नीचे इसको इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्रॉप कर लेना ताकि साइज ज़्यादा नहीं बने, फिर अपलोड कर लेंगे। तो हम जिन्हें जो बाकी डिटेल्स ऊपर का फुल नहीं किया है इसलिए प्राइवेसी के लिए, लेकिन अभी फिल करके हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला प्रोसेस आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं देख पाएंगे आप, प्रीव्यू करके पूरा आप देख सकते हैं कि मेरा गलत तो अपलोड नहीं हो चुका है। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका ऑलरेडी ये फिल किया हुआ रहता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अगर आपका मान के चले गलत डिस्ट्रिक्ट हो गया है तो सही भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं, सही भी कर सकते हैं, मैंने तो सही ऑलरेडी क्या विलेज आपका जो भी है यहाँ पर विलेज या टाउन आपको फिल कर लेना है, ये फिल करना होता है। उसके बाद इस एड्रेस में आप कितना साल से रह रहे हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके अगर यहाँ का जिनका पैदाइश है तो वो डेट ऑफ बर्थ ही फिल कर लेंगे, मतलब जैसे कि ईयर पर क्लिक करके उसका ईयर ले लेंगे, जो भी ईयर है आपका ईयर ले लेंगे। शादीशुदा आए हैं तो 5 साल 6 साल जो भी है उनका वो फिल कर लेंगे। उसके बाद मंथ में तो आपको बताया है कि यहाँ पे 8वां मंथ है अभी, लेकिन इसका 2वां मंथ था तो इस इधर क्लिक करके हमके 2 मंथ लेके आ जाते हैं। हाँ 2 मंथ हो गया, तारीख तो 27 था, तो एग्जैक्ट ओके पर क्लिक करके, क्योंकि इनका पैदाइश है तो जो सेम डेट है वही रहेगा। अब आते हैं ऊपर, तो ये कुछ नहीं करना, यहाँ पे फिल करने के ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन आया हुआ है प्लेस का, अप्लीकेंट प्लेस, तो प्लेस टाउन जो भी है वो फिल कर लेना है आपको। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी ड्रेस दिखेगी, आपको इसको लॉक करके देख लेना है। 5 मिनट का टाइम दिया आता है, उससे पहले आपको देख लेना, अगर कुछ गलती है तो कट पर क्लिक करके आप सही कर ले, इधर बैक पर क्लिक करके फिर एक तरफ से सही कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इनका जो सही है इसलिए हम इसको लॉक कर लेते हैं। इसको लॉक करने के बाद नीचे जो है सबमिट की बटन आती है कंफर्म करने की, इस पर क्लिक करेंगे। आपको वेट करना है, फिर रेफरेंस आईडी जनरेट होगा। साथ ही हम बताएंगे कि इसी प्रोसेस से हमने जो एक सबमिट किया था उनका लाइव चेक करके बताएंगे कि 10 दिन में जो मेरा ईपिक नंबर जनरेट हो चुका है। अब उसका हम कार्ड भी डाउनलोड करवाएंगे। तो अभी इसके बाद जैसे ही सबमिट हो जाता है हम वो डाउनलोड करके, मतलब वो दिखाएंगे, चेक करके दिखाएंगे कि हाँ हमने 10 दिन में लाइव जो है प्रूफ दिखाएंगे आपको कि हमने जो अप्लाई किया था उनका एक्सेप्ट हो चुका है। इसी प्रोसेस से जितनी बातें उन्हें मैं बताया आपको, साथ ही और एक बात है कि जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो है चेक लिस्ट में आएगा, तब आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा भी केस आता है कि आपने ऑनलाइन कर देता है लेकिन वेरीफाई के लिए जो चेक लिस्ट में शो करता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, देखिए जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस आईडी जनरेट हो चुका है। चेक लिस्ट में आपका अगर नहीं शो होता है तो उसके लिए अलग स्पेशल वीडियो बनेगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, जो हमने अप्लाई किया था 10 दिन में बन गया है उसका हम चेक करके आपको दिखाते हैं लाइव। देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो चेक लिस्ट में ऑप्शन नहीं आया है, तो कैसे आएगा इसका समाधान है जो दूसरी वीडियो में दी जाएगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, चेक करके आपको बताएंगे कि जो हमने अप्लाई किया था। तो हम वेबसाइट में आ गए हैं, इसका लिंक जो हम आपको दे देंगे डायरेक्ट ट्रैक वाला ऑप्शन पे। अब यहाँ पे रेफरेंस आईडी हम फिल कर लेते हैं, फिर स्टेट जो भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ट्रैक स्टेट पर क्लिक करेंगे। ट्रैक स्टेट पर क्लिक करने पर यहाँ पर देखते हैं कि सभी हरा टिक लग गया है, हम इसे स्क्रॉल कर ऊपर करके दिखा देते हैं। यहाँ आप देख लें कि हमने आवेदन किया था 16 तारीख को और एक्सेप्ट होने के बाद ईपिक नंबर भी जनरेट हो गया मेरा 25 को, मतलब 10 दिन में मेरा ईपिक नंबर जनरेट हो चुका है। तो किस तरह अप्लाई करेंगे पूरी प्रोसेस इसमें दी गई है, आप अच्छी तरह से दोबारा देख लें। साथ ही एज ए अदर पर्सन आप कैसे करेंगे, तो बीएलओ का प्रोसेस था गुरुदेव से, तो अदर पर्सन का भी जो है वोट हेल्पलाइन से मैं लाइव करके बताऊँ कि मैं उससे भी किया हूँ तो उसका भी जो है सक्सेस आया हुआ है। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।